नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुपरी जिले में धामना जो स्तूप परिसर है उसका भ्रमण करवाएंगे। धामना सुपरी जिले के करैरा तहसील के अंतर्गत है। धामना स्तूप परिसर एक फैला हुआ परिसर है जो बलरव नदी के किनारे फैला हुआ है। बलरव नदी महुआ नदी की सहायक नदी है, जो आगे जाकर बलरव नदी इस महुआ नदी में मिलकर समोहा जलाशय वहाँ पर बना हुआ है। और यह स्तूप सुपरी जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही खूबसूरत जगह पर बलरव नदी किनारे स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। यह स्तूप आपको दिख रहा है, स्तूप क्रमांक 1 है। ये बिल्कुल सड़क के किनारे बना हुआ है। इसमें लगभग आधा भाग यहाँ पर बचा हुआ है, आधा का एक चौथाई कहेंगे एक्चुअली। स्तूप के व्यास का आधा भाग और ऊंचाई लगभग इसकी 10 से 12 फिट बची हुई है, जो लगभग एक तिहाई ऊंचाई बची होगी। शेष धराशायी हो गया है, नष्ट हो गया है। ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ आपको जो कटा घाटी टाइप की दिख रही है, ये भी स्तूप के भाग हैं। यहाँ एक्चुअली पूरे श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्तूप बने हुए थे और अभी भी इनके वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ स्तूपों की संख्या कुछ नहीं तो 70 से 80 या 100 के आसपास भी हो सकती है। छोटे छोटे अवशेष लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये बहुत ही शानदार, ये आप देख रहे हैं, ये स्तूपों की अवशेष श्रृंखला दिखाई दे रही है। ये लगभग 4 से 5 फुट 6 फुट की दूरी है, आपको ईटा दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये बहुत ही सुंदर एक देखी नज़ारा आपको नदी के किनारे पूरा श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्तूपों के ये अवशेष अभी भी हमें को आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही मनमोहक। यहाँ कुछ जगह खेती भी हो रही है, जहाँ कुछ जगह आप लोगों ने स्तूप के अवशेषों को छोड़कर शेष भाग में खेती भी करना प्रारंभ कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप कभी आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए छोटे स्तूपों के अवशेष की ईंट दिख रही है यहाँ पर का प्रयोग किया गया है। ये सड़क निर्माण हुई है नदी के ऊपर और सड़क के कारण यहाँ पर स्तूपों में थोड़ी बहुत क्षति हुई है, देखे जा सकते हैं। ये बावड़ी बनी हुई है, सूखी है, लगभग 12 से 15 फिट गहरी है और देखिए आप पकी ईंटें इसमें लगी हुई हैं। आसपास पीपल के वृक्ष उगाए हैं, अंदर से झाड़ निकल आए हैं। सूखी है, मुश्किल से ये 10-12 फिट गहरी है, लेकिन सुरक्षित है। इसको यदि पूरा इसको साफ सफाई की जाए इसकी, तो हो सकता है इसमें अंदर और भी बहुत सी चीज़ें पता चल सकती हैं। स्तूप मुख्य स्तूप का ही भाग दिख रहा है, ये पुनः मुख्य स्तूप को हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से इसको डैमेज कर दिया गया है, या डैमेज हो सकता अनजाने में हुआ हो, लेकिन इनको संरक्षण की आवश्यकता है। धामना बहुत, धामना जैसे आपको उसके शब्द में ही आपको उसके शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि शब्द धम्म से बना है। धम्म धाम, जो धामना धम्म धाम से ही धामना बाद में अपभ्रंशित शब्द हुआ है। और ये स्तूप एक्चुअली सुप्रीम न केवल धामना बल्कि यहाँ पर गुड़र, सीनलगर और भी अन्य जगह ये स्तूप पावा बसई, और इसके अलावा आपको राजपुर, बूधौन, कोटा, पाली और भी कई जगह स्तूप आपको देखने को मिलते हैं। स्तूप के अलावा यहाँ पर जो माधव उद्यान है, सुपरी का राष्ट्रीय माधव उद्यान, वहाँ चुरेल छाज एक गुफा है, वहाँ पर गुफा के अंदर आपको इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। वो सम्राट अशोककालीन धम्म लिपि के इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पर इसको हमने माप तोल की, लगभग 23 मीटर से के आसपास उसका व्यास है और लगभग 10 से 12 फीट अभी इसकी ऊंचाई बची हुई है। ये पूरा भग्न अवस्था में क्षतिग्रस्त है और बिल्कुल सड़क के किनारे मुख्य स्तूप। सड़क के बीच सड़क जो है स्तूपों के दोनों ओर से जाती है, एक तरफ एक स्तूप है, बाकी दूसरी तरफ ढेर सारे स्तूप यहाँ पर बने हुए हैं। ये स्तूप आप देखने जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर स्तूप यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कभी आप सुपरी जिले में घूमने आए तो जरूर इन स्तूपों को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आप स्तूपों का अवलोकन कीजिए, पुरानी विरासत को संयोजने की ईंटें देखिए, यहाँ पर ईंटें पड़ी हुई हैं, प्रयास करने की आवश्यकता है। 125 फुट है,
वहां से ना पे वहां पे पत्थर वाली अलग अलग बहुत बड़ी चाय ये ले रहे यूज बन रास्ता क्यों
का पेड़ दया पूरे स्तूप में से काट दिए रोड क्या।